है, अपितु पूरा विश्व इस फिल्म का विरोध कर रहा है। न सिर्फ हिंदू विरोध कर रहा है, इस फिल्म का विरोध मुस्लिम भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध सिख भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध ईसाई भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध पारसी भी कर रहे हैं। फिल्म बनाई गई है उस रावण के ऊपर की जो कि देखने में बिल्कुल खिलजी लगता है। इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। सरकार अगर ये नहीं करेगी तो जनता आपको फिर से दिखाएगी। ये लोग तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, इन्होंने जो 5 डायलॉग का इनका विरोध किया गया। लंका लगा देंगे ये आजकल लंका लगा दूंगा। अरे ये थोड़े दिन और अगर इस चीज का विरोध नहीं होता तो ये पिटते। और मनोज मुंत्री सिर घर में छुपे रहना, नहीं तो हिंदू संगठन के लोग तुम्हें सच में पीट देंगे। कपड़ा तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, तो डायलॉग बदल के कर दिया। कपड़ा तेरी लंका का तो जलेगी भी तेरी लंका। लंका बनाई जाती है, तुमको मूर्खों इतनी शर्म नहीं आई कि तो ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं। जटाटवी जलत जलम प्रवाह पाप तस्थले विलंब लंब लंबितम भुजंग। तो कोई कह के मर गया था रामायण को प्रेरित होके तुम जो है जैसे नेपाल ने बैन कर दिए फिल्म को, भारत को भी कर देना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है। मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम ये कहते हुए ढूंढते हैं सीता माता को, ये कहते हुए राम ढूंढते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को समय है केरला स्टोरी पर बोलने का। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इन सबको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई दे रहा, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि इलेक्शन का टाइम आएगा तो श्री राम के नाम और हनुमान जी के नाम पर बस नारे लगे। और जनता पागल है, आपको वोट करती रहेगी। तो सामने सर ये कह रहे हैं कि मेरा नाम बदल दो, रख दो मनोज मुंसर। भाई इन्होंने क्या बनाया, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ चमड़े का पहन रखा है, जबकि सब जानते हैं कि वो लकड़ी के खड़ाऊ पहन कर गए थे। फिल्म है, इस फिल्म में कहीं पे किसी के द्वारा राम के नाम का एक बार भी उच्चारण नहीं हुआ है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है KIE में। और आज दोस्तों जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो सुनकर जो ना आपके ना अंदर से आग लग जाएगी। क्यों क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये आपको पता लगेगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा की बात पर, और सिनेमा की बात में हम आज बात करने वाले हैं आदि पुरुष पर। आदि पुरुष पिछले 8 महीने पहले इसका टीजर आया था, और 8 महीने पहले जो टीजर आया था उसके बाद में फिर 1 महीने पहले इसका ट्रेलर भी आया, और 1 हफ्ते पहले हमारे पास फिल्म भी आई। और आज फिल्म को पूरा 1 हफ्ता हो गया, लेकिन जो है विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि आदि पुरुष जो है वो भगवान श्री राम की कहानी बता करके हमें परोसी गई, लेकिन उसमें कहीं भी भगवान श्री राम नजर नहीं आए। फिल्म में कहीं भी भगवान श्री राम नजर नहीं आए। हाँ, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान श्री राम का रामक तो उसमें कहीं नहीं ढूंढने को मिला। उस फिल्म में भगवान श्री राम का आदर्श कहीं ढूंढने को नहीं मिला। उस फिल्म में भगवान श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते थे उनकी मर्यादा कहीं नहीं दिखाई दी, उनका पुरुषोत्तम कहीं नहीं दिखाई दिया। ऐसे श्री राम के ऊपर तुमने फिल्म बना दी तुमने उस हनुमान के ऊपर, जिसको मनोज मुंतशिर कहते हैं कि वो भगवान थे ही नहीं, वो तो भक्त थे और उनको हम लोगों ने भगवान मान लिया। फिल्म बनाई गई ऐसी माता सीता के ऊपर जो कि ऐसे वस्त्र पहनती हैं कि आज की हम आज के घर में अपनी महिलाओं को नहीं पहनाएंगे। फिल्म बनाई गई है उस रावण के ऊपर की जो कि देखने में बिल्कुल खिलजी लगता है। तो ऐसी चीजें मतलब पौराणिक चीजों के साथ, हमारे पौराणिक ग्रंथों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, भर भर के गालियां देने वाले हैं इस फिल्म को बनाने वालों को और जो भी इस फिल्म में इंक्लूड है सबने, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम क्या क्या किया है अभी हम बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है कृष्ण कुमार करण जी। करण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उपस्थित हैं बच्चे दो अपने दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ हैं हमारे साथ, और ये इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि ये जो हैं ये इस फिल्म पर चर्चा करेंगे और फिल्म का रिव्यू जो है वो इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने देखा है फिल्म को, और ये आज हमें बताएंगे कि फिल्म के अंदर क्या क्या था। कैमरे के पीछे शैलेश झा हैं और बहुत अच्छे हमारे चैनल के एडिटर हैं एक्चुअली, और ये हमें टोकते रहते हैं हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं दिखना चाहिए, और ये हमें ये भी टोकते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और आप जो कुछ भी हमारा एडिट देखते हैं ना, ये सब कुछ यही करते हैं। तो ये जो है ये सब कुछ हमारा कैमरे के आगे पीछे सब कुछ बता दिया। आज का जो एपिसोड है वो बिल्कुल अद्भुत अलग होने वाला है। आज हम जो कुछ भी आपको दिखाने वाले हैं आज से पहले आपने इस चैनल पर कभी नहीं दिखा होगा, क्योंकि इतनी जो गुस्सा है ना अंदर से वो भरा हुआ है, वो बोल रहा है। आज मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, नहीं ये लोग बोलेंगे, आज बोलेगा गुस्सा बोलेगा। क्यों? क्योंकि इस फिल्म ने मतलब एक होती ना हद होती है किसी चीज की ना, वो पार कर दी है।
मतलब बॉल जो है वो आप बाउंड्री से बाहर समझ लीजिए चली गई है। और क्या क्या हुआ है फिल्म को लेकर के, मनोज मुंतशिर ने कनक जी ये भी कहा था कि हम जो है वो फिल्म के डायलॉग से अगर लोगों को परेशानी हो रही है, माफी नहीं मांगी है। आप ये भूल जाइए कि उन्होंने माफी मांगी। माफी कौन मांगेगा? मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, डायलॉग लिखने के बाद वो कहते हैं कि नहीं हमने तो सही लिखा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ठीक है डायलॉग चेंज कर दे रहे हैं। डायलॉग चेंज कर दिए गए, डायलॉग चेंज होकर भी आ रहे हैं साहब। कल से जो डायलॉग दिखाए जा रहे हैं वो नए डायलॉग हैं, डबिंग हो गई है। केवल जो बोल रहे हैं पीछे से आपको यही पता चलेगा कि वो जो पुराने डायलॉग थे, लंका तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, ये जो थे वही दिख रहा है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं सुनाई कुछ और दे रहा है, दिखाई कुछ और दे रहा है, ये हुआ है फिल्म में। लेकिन कोई अंतर नहीं है। और जो नए डायलॉग आए ना वो भी मतलब महाघटिया डायलॉग है, उसमें भी कोई बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ है उसमें। मैं आपको बताऊं, देखिए संवाद देखिएगा, पहले जो था कि सबसे पहला संवाद जो सबसे प्रचलित है और जिसके लिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई इस पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान छोड़िए, आप हिंदुस्तान की हम बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के अलावा भी कई सारे देशों में इसका विरोध हो रहा है। नेपाल ने तो फिल्म बैन कर दी क्योंकि उन्होंने ऐसी बात करी कि उन्होंने कहा कि भारत की बेटी नेपाल, भारत की बेटी सीता माता को बताया गया, तो माता सीता नहीं है भारत की बेटी, वो नेपाल की बेटी है। तो ये सारी चीजें चली फिल्म का। मैं डायलॉग बताऊं आपका कि था कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप का, ये मतलब ये कहां की मर्यादा है भाई, ये क्या डायलॉग है? और ये कौन कह रहा है? भगवान श्री हनुमान कह रहे हैं। हनुमान जी के मुंह से ऐसा डायलॉग अच्छा लग रहा है? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, है बदल दिया। बदल के क्या किया? कपड़ा तेरी लंका का, तेल भी तेरी लंका का, और जलेगी भी तेरी लंका ही। मतलब क्या बदल दिया भाई इसमें तुमने, विशेष क्या अंतर कर दिया? मतलब हमने ये कहा था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, डायलॉग अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि उनमें वो भाव नहीं है जो होना चाहिए, जो वाणी होनी चाहिए। भगवान की जो भाषा है वो ये नहीं है। भगवान की भाषा उस समय मानते हैं कि उस समय संस्कृत थी, लेकिन फिर जो हमने जो रामायण देखी है, जो अलग अलग ग्रंथों में हमने लिखा, पढ़ा, देखा, सुना, जो कुछ भी सुना है, वो कम से कम हिंदी तो रहने देते उसको। आपने वो हिंदी भी नहीं रहने दी, टपोरी की भाषा बना दी, जो आम गली मोहल्ले की, जो लोग, जो लड़के आजकल के नए लड़के जो हैं, जो जिस तरीके की गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, उस तरीके की भाषा बना दी। सिर्फ माँ बहन कहना भूल गए वो, बाकी सब कुछ कह दिया उन्होंने। गौरव जी बिल्कुल आपकी हर बात से हम सहमत हैं, और यह आक्रोश हर हृदय में है। देश का कोई भी नागरिक इस बात को स्वीकार करने के लिए आज तैयार नहीं है। उसका कारण है, भगवान राम हमारी आत्मा का अंश है। हम जितने भी भारतवासी, आज पीड़ा न केवल आपको है, न केवल दर्शकों को है, हर उस व्यक्ति को है जो इस बात को सुनता है, उसके कारण है। आप एक बात उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा कि जब कोई छोटी गली मोहल्ले में कोई नाटक होता था, किसी विद्यालय में नाटक होता था, या कहीं किसी मंच पर रामलीला या रासलीला होती है, वहां पर जो भी पात्र उस अभिनय को करते हैं, राम का अभिनय करते हैं, कृष्ण का अभिनय करते हैं, सीता का अभिनय करते हैं, तो उस पात्र विशेष के प्रति हमारी जनता, जो दर्शक हैं, उन सब का एक ऐसा भाव बन जाता है कि वो उसी रूप में देखते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, जो रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें अरुण गोविल जी ने राम का पात्र किया था जी। अब राम का किरदार उन्होंने किया और लोगों को इतना पसंद आया वो किरदार, मतलब उनमें रामत्व तो आ गया था, मतलब वो जहां जाते हैं लोगों के पैर छूते हैं जी। देखिए ये जो फिल्म इन्होंने बनाई थी बाहुबली फिल्म प्रवास की जो हिट हो गई, उनको लगा कि बाहुबली के नाम पर ही हम प्रवास को लेके आएंगे और पूरी फिल्म को हिट कर देंगे। इधर राम के नाम से भी इस फिल्म को जोड़ दिया गया और ये चाहते थे कि बस राम के नाम से ही ये पूरी फिल्म हिट हो जाए। आपने कास्टिंग करते वक्त ये नहीं देखा कि जो प्रभात है उनके चेहरे पर कितना तेज है, और राम जी थे उनके चेहरा बिल्कुल मासूम सा था, पुरुषोत्तम राम थे वो, इसीलिए। तो ये सारी चीजें कास्टिंग करते टाइम भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल इस चीज का। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि यह राम कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं है, राम हमारे इस भारत की अस्मिता का नाम राम है। तो हमको यह बात सोचनी पड़ेगी, रामानंद सागर के विषय में आप सबने ये बहुत अच्छे से सुना है कि उनके पात्र वही, जब वो अपना जितने दिनों तक उन्होंने इस पूरे सीरियल को तैयार करने में जब तक वो रहे, तो उन्होंने उन्हीं सब आचरणों का अनुकरण किया
जो राम के होने चाहिए थे, यानी उन दिनों में वो पात्र स्वयं बताते हैं कि उनको यह अनुमति नहीं थी कि वे किसी भी प्रकार का नशा भी कर सकें, तो बीड़ी सिगरेट मतलब इस तरीके के जो छोटा मोटा उन दिनों चलता होगा वो नशा भी वो नहीं कर सकते थे, जमीन पर सोना होता था। तो यह मर्यादा हमारे देश की रही है। जब राम की चर्चा करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, मैं उदाहरण बता रहा था कि आज भी वृंदावन में जो संत वहाँ हैं उनके यहाँ कथा की मंडलियाँ होती हैं और वहाँ पे चरित्रों का चित्रण किया जाता है मंचों पर, तो वहाँ आज भी जो राधा और कृष्ण का स्वरूप बनते हैं, जो वो लड़के और जिनके माध्यम से वो चरित्र मंच पर मंचन के लिए उतारे जाते हैं, उनको उसी दिन से ठाकुर जी कहा जाता है। आज जितने भी आप देखते हैं, जितने आपने देखा होगा जिन शास्त्रियों के कथावाचकों के नाम के साथ ठाकुर जी लगा रहता है, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, कृष्णचंद्र ठाकुर हो, ये सब वही लोग हैं जो कभी न कभी रासलीला में कृष्ण का पात्र या राधा का अभिनय कर रहे हैं। ये लोग तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, इन्होंने जो 5 डायलॉग का इनका विरोध किया गया लोगों के द्वारा, जब इनकी फिल्म को पूरी तरीके से नकार दिया गया, तब इन्होंने ये हमारे ऊपर एहसान करके जो 5 डायलॉग बोले, क्या क्या बोले हैं गौरव जी, मैं चाहूंगा बताइएगा। भाई डायलॉग की तो मत पूछो यार, हमें बड़ा गुस्सा आता है और शर्म आती है कि इन्होंने लिखा क्या है। इतना बड़े राइटर का वो एक संवाद था, वो कहते हैं कि जब हनुमान जी लौट कर आते हैं लंका से और श्री राम पूछते हैं उनसे हालचाल लेते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं उनसे कह के आया हूँ कि जो हमारी बहनों की तरह आंख उठाकर देखेंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर किसी का एक चढ़ने का एक समय होता है। मुंतशिर जी का आप ये समझिएगा, मनोज शुक्ला मुंतशिर, अब तो शुक्ला लगाओ, मुंतशिर छोड़ो, अब शुक्ला और लग गया पीछे। हाँ, मनोज शुक्ला मुंतशिर जितनी प्रसिद्धि पा सकते थे वो पा चुके हैं। उन्होंने राम की कथा में प्रवेश करके कहीं ना कहीं अपने लिए जो कहते ना कि बड़ा अच्छा लिखा गया है कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मत पहले ही हर ली, यह इनका समापन बिंदु आ चुका है। मुंतशिर जी ने बहुत सारी प्रसिद्धि पाली, अब वो ये भूल गए कि हमको क्या करना चाहिए। आप देवी देवताओं जिनको हम देवत्व के नाते जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, आप उनके विषय में सोचना ही बंद कर गए। आपने यह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जो 125 या 125 अरब की जो आबादी है उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो राम को भगवान मानते हैं, उनकी आस्था के साथ आप खेलने जा रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो पिटते हैं, ये थोड़े दिन और अगर इस चीज का विरोध नहीं होता तो ये पिटते हैं। और पिटने सुनो, पिटने से याद आया कि इन्होंने जो है वो सहायता मांगी है और प्रोटेक्शन मांगा है, उन्हें डर है कि लोग हमें पीटने ही वाले हैं। नहीं तो प्रोटेक्शन तुमने काम ही ऐसे करे, पीटने ऐसे भाई बिल्कुल काम किया है ना, लोगों के ट्विटर पे लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग ट्विटर पे ट्वीट कर करके बोल रहे हैं कि साहब हम तो पीटेंगे जो मिल जाएगा वहां पे। मुंबई में महाराष्ट्र में हिंदू संगठन है कोई, उन्होंने कहा है कि हमें मिल जाएगा तो हम तो पीट देंगे, कूट देंगे, सूट देंगे, ये इस तरह की भाषा वही कर लोग मनोज मुंतशिर घर में छुपे रहना, नहीं तो हिंदू संगठन के लोग तुम्हें सच में पीट देंगे। ये अलग अलग बिंदु है, ये सब बातें होती हैं और इनका समर्थन करना या न करना एक अलग बिंदु है, लेकिन यह बात अवश्य है जो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से आप जब हमारे जो लोग हैं उनकी आस्था है जिन चीज़ों पर, आप आस्था के साथ खेलने जा रहे हैं। फिल्मों के अपने तरीके होते हैं, फिल्मों ने अपना स्ट्रक्चर बदला है, बहुत कुछ बदला है आज, लेकिन आप हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, उन सब चीजों के साथ आप खेलने लग जाएंगे, खेलेंगे, वो क्रिएटिव लिबर्टी है, क्रिएटिव लिबर्टी है, एक शब्द तो मिल गया उनको कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे साहब हम बदलाव कर सकते हैं, तो यार मतलब हमारे ग्रंथों से खेलेंगे क्या, किस चीज पे बदलाव करोगे, बदलाव करो किसी चीज पे, किस चीज की है, आप उसमें मॉडर्नाइजेशन कर सकते हो लिबर्टी के नाम पर, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, लेकिन कहानी मूल जो कहानी है उसके साथ खेलोगे, आपने मूल कहानी बदल के रख दी।
आपने कनक जी आपने कभी ये सुना है कि प्रभु श्री राम की आंखों के सामने सीता माता का हरण हो गया? वो बताओ, सबसे बड़ी समस्या यार कहाँ आने वाली? फिल्म देखी आप? फिल्म में क्या दिखाया गया? उनके बच्चों को तो यही सिखाया जा रहा है, वो तो आगे का जब किसी को बताएंगे तो यही बताएंगे। अब ये भी सुनो मनोज मुंतशिर राहुल राव कहते हैं कि हमने सब बच्चों के लिए फिल्म बनाई है ताकि जो बच्चे अभी तक रामायण से सुनते थे गलत संदेश देंगे क्या? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। यह बात तो गलत संदेश थोड़ी ना देंगे आप, बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चों को, बच्चे जो देखेंगे वही ना सीखेंगे, वो कल को जाके वही चीज सिखाएंगे कि राम के सामने, राम की आंखों के सामने जो सीता का हरण हो गया। आप इतने एनिमेटेड आपने शॉर्ट्स रखे हैं, इतनी जो जो भी आपने जो जो कुछ लिया है उसमें वो बहुत कुछ एनिमेटेड है, तो ऐसा एनिमेशन में भी आप मूल को थोड़ी ना समाप्त कर देंगे। और आप एनिमेशन की बहुत सारी हम लोग से सिनेमा घरों में हनुमान जी के लिए सीट छोड़ेगी, हनुमान जी अपनी सीता माता को इतने अच्छे वस्त्रों में देखेंगे, उनके लिए सीट बनाई छोड़ी जा रही है, उनके नाम पर पब्लिक सिटी ली जा रही है। दूसरे दिन आप ये भी कह रहे हैं कि हम राम, हमने हमारी रामायण से कोई लेना देना नहीं है। राम जी को उन्होंने हनुमान जी को आमंत्रण दिया था और एक एक सीट छोड़ी थी हर सिनेमा घर में। अगर असल में हनुमान जी आ गए होते तो उसी गदा से इनके घड़े पे इतनी मार पड़ी होती। निश्चित रूप से ये गलत तरीका है कि आपने, और ये सेंसर बोर्ड है, आज हो क्या रहा है? सेंसर बोर्ड में सेंस ही नहीं रहा, सेंसर बोर्ड में सेंस कतई ही नहीं रहा। अब जो लोग वहां बैठे हुए हैं, सेंसर बोर्ड में जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि आप राम के चरित्र के साथ कृष्ण के चरित्र फिल्में लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? आपको एनिमेटेड कुछ भी करना है वो अन्य चीजों के साथ। आपको बता दूं, टीजर आया था उस टाइम पे भी इस चीज का बहुत विरोध किया गया। सबसे बड़ी बात है, आज के समय में जब आप किसी राजनीतिक करेक्टर को लेकर जब कोई फिल्म बनाते हैं तो आप उसके नाम बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। आपने तो वेब सीरीज की भी रेड मार रखी है। यहाँ सबसे वेब सीरीज का तो थोड़ा सा क्या ध्यान देते हैं, कुछ चीजों का ध्यान देते हैं। आपने तो वेब सीरीजों में जो होता है वो करके रखा हुआ है, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पूरा देश इसके लिए अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। हमारा ये तो हमारा देश संस्कृति के लिए बहुत माना जाता था और उसी संस्कृति को धीरे धीरे ये लोग खराब करते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर देश की संस्कृति खराब हुई है तो वास्तव में वो बॉलीवुड की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने जो नंगापन दिखाया है वही लोगों ने अडॉप्ट किया। देखिए वो हम सब जानते हैं कि जो चीजें आती हैं, चाहे हमारे जीवन में हमारे जीवन में जो चीजें भी घटित होती हैं, हम लोग टीवी पर देखते हैं, बड़े पर्दे पर देखते हैं, चाहे वो बेल बॉटम का जमाना रहा हो या वर्तमान समय की चीजें रही हो, चाहे वो बालों में कट लगाकर घूमने वाली चीजें रही हो। हनी सिंह ने छोटे कराया, वैसे बाल बच्चे छोटे नहीं कट करते, हनी सिंह ने छोटे कराए तो सबने छोटे करा लिए। ये फैशन बन गया, ये ट्रेंड दिखा रहे हैं, वैसे ही आजकल के बच्चे अपना रहे हैं। और ये जो जो रामायण दिखाई गई है इसमें वही बच्चे बताएंगे लोगों को हमारे यहाँ ऐसे होता था। आप आज से 20 वर्ष पहले चले जाइए, 30 वर्ष पहले चले जाइएगा तो आप फिल्में देखिएगा, हीरोइन के वस्त्रावली देखिए, उनके वस्त्र देखिए कैसे वो कपड़े पहनते थे। तो आज जैसे जैसे बदला वो पूरा देश उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है, फिर आप कहाँ ले जाने वाले? अब तो आप धार्मिक जो हमारी आस्थाएं हैं, हमारे जो धार्मिक करेक्टर्स हैं उनके साथ भी खिलवाड़ करने लग गए। डायलॉग बदला है, डायलॉग बोलता है कपड़ा तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, तो डायलॉग बदल के कर दिया कपड़ा तेरी लंका का तो जलेगी भी तेरी लंका। मतलब इसमें क्या चेंज कर दिया? इतने बड़े राइटर हो गए मनोज आसिर शुक्ला जी, क्या आपने चेंज कर दिया? लोगों के ऊपर एहसान कर दिया, ये बदल दिया ना, बहुत बदल दिया। देखो जब एक डायलॉग था जब हनुमान जी जो है वो लंका में प्रवेश करते हैं और उस समय एक वहाँ का राक्षस होता है जो उनको देखता है पहली बार, और प्रथम दृष्टया वो उनसे कहता है कि तू अंदर कैसे घुसा, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? ये डायलॉग था जी। उनने बदल के क्या कर दिया, तुम अंदर कैसे घुसे आए, तू को तुम कर दिया, ये तुम्हारी बुआ का बगीचा है क्या जो अंदर हवा खाने चले आए, ये मतलब तू को तुम करके तुमने समझा के बहुत कुछ हमने परिवर्तन कर दिया, हमने उनके भाव बदल दिए क्या? आपने उसका असर पड़ रहा है बॉक्स ऑफिस पे, देख रहे हैं कमाई की क्या हालत है, कमाई के आंकड़े भी सामने पेश कर दीजिए जनता के, उनको पता चल जाएगा क्या है वर्तमान में। देखिए जनता पागल नहीं है, हम सबको पता है कि हमारा भविष्य खराब होने वाला है, इससे निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी
जिसको जिसके लिए ये उतारना चाहते थे। मैं तो ये बताता हूँ कि चाहे वो छोटा भीम चल रहा हो या छोटे जो एनिमेटेड चीजें होती हैं उनमें भी लोग ध्यान रखते हैं, वो बहुत अच्छा बनाते हैं कंटेंट जो इनने बनाया है, इनसे बहुत अच्छा कंटेंट वो एनिमेशन वाले बनाते हैं, जो बच्चों के कार्टून बना रहे हैं वो इनसे अच्छा बनाते हैं। कार्टून फिल्में जो आती हैं उसमें भी इसका ध्यान रखा, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, बच्चे बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से चीजें दी जाए, चाहे वो वहाँ पे कृष्ण की बात कही जा रही हो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तो चीजें दे दी जाती है। तैयार कब है वो? अपनी गलती अभी तैयार नहीं होंगे क्यों? वो अभी भी नहीं, बड़े आदमी है क्यों मानेंगे? तो फिर क्यों सिक्योरिटी मांग रहे हैं? सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हैं? सिक्योरिटी नहीं है तुम्हारी तो फिर आराम से खुल के घूमो, बता देगी जनता तुम्हें अच्छे से। मैं तो कहता हूँ जितना पैसा जनता जिन जिन लोगों ने मूवी देखी है वो भी अपना पैसा रिटर्न मांगे। अब क्यों टिकट की रेट डाउन है कर दी? अब 22 तारीख के बाद से टिकट की रेट कम कर दिए गए कि साहब नहीं देखने आए लोग, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, और देखना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि हमारी संस्कृति जो है वो इन्हीं घटिया चीजों के कारण बर्बाद हुई हुई नहीं और निरंतर बर्बाद हो रही है। इसमें मुंतशिर जैसे बड़े साहित्यकार वो अगर इस तरीके के कामों में उतर आएंगे तो फिर होगा क्या? तो निश्चित रूप से ये है, पूरा देश जान रहा है, पूरी जनता में किसी को पसंद नहीं आ रही है। पहले दिन की बॉक्स ऑफिस की कमाई थी 86 करोड़ जी, दूसरे दिन की थी 65 करोड़, तीसरे दिन की 69 करोड़, चौथे दिन की 16 करोड़। तीन दिन में समझ में आ गया, समझ में आ गया, जनता समझ गई है क्या इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों को दिखाई नहीं जा सकता। बिल्कुल, पहले दिन 16 करोड़ मात्र, पांचवे दिन 10 करोड़, छठवे दिन 7 करोड़, और सातवें दिन 5 करोड़, सातवें दिन 5 करोड़, और आठवें दिन और जाने दीजिए तो 3 करोड़ भी ना मिलने वाली। आठवां दिन आज है और जाएगी थिएटर से, बिल्कुल, और उतर जानी ही चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर और कोई सरकार होती ना अब तक जी तो ये फिल्म बैन हो गई होती, क्योंकि अब चूंकि वो सरकार वाले जो थोड़े से संजीदा लोग हैं वो अभी तक देख नहीं पाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि संरक्षण क्रेडिट में नाम था, लेकिन बात है क्रेडिट में कम से कम 6-7 मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जो वर्तमान सरकार के हैं तो पक्ष में हैं, तो इसलिए उन्होंने पक्ष में तो ये राम के नाम पे पक्ष में है। हाँ, और नेताओं की बैन कर देने चाहिए बस इतना, राम अच्छा राम पे खड़ा रही है, देखना तो चाहिए, नहीं देखी, देखना तो चाहिए था ना, अब उनको भी समझ में आ जाएगा। अब जब नहीं देखा तो पांव पीछे खींच लिए ना, अब काय को खींच लिए पांव पीछे, अब पांव पीछे खींच लिए करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने पांव पीछे खींचा इन्होंने सिक्योरिटी मांगी, इसी को कहते हैं इन्होंने सिक्योरिटी मांग ली, जैसे उन्होंने पांव पीछे खींचा इन्होंने सिक्योरिटी मांग ली। कह रहा हूं सर पे हाथ रखने वाला कोई है नहीं, सरकार की पीछे हट गई। मैं तो कह रहा हूं सरकार को अपने अपने स्टेटों में इस पिक्चर को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। कहीं बात चल रही थी इस पिक्चर की टैक्स फ्री होने की उत्तर प्रदेश में भी जी, लेकिन जब देखा ऐसा रुख है हमारी संस्कृति से इस तरीके से खिलवाड़ किया गया है तो उन्होंने भी पैर खींच लिए। और देखिए तो यहाँ कितने भी परिवर्तन कर लें इसको ठीक नहीं किया जा सकता, मेंटलिटी खराब थी बनाते समय, अब जब मानसिकता खराब मानसिकता के साथ आप चलेंगे तो फिर उसमें कितने परिवर्तन करेंगे वो संभव नहीं। आप आशा भी मत, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रामानंद सागर जी की जो रामायण जो उन्होंने बनाई थी लॉकडाउन के दरमियान, मैंने जब उनको देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे उसको देखते वक्त, ऐसे किरदार थे वो पवित्र मन के साथ बना रहे थे इसलिए उनको कभी कठिनाई नहीं आई। ये उस दिन एक चैनल पे बोल रहे थे अरे साहब रामानंद जी के सामने कोई विकल्प नहीं था, उनके पास विकल्प नहीं था फिर भी उन्होंने इन सब बातों का ध्यान रखा, तुम्हारे पास विकल्प था तब भी नहीं तुम ध्यान रख पाए, मूर्खता की बात हो, तुम उसको देख के बना लेते, देखने आप देखने ये समझते हो ना भाई, इन्होंने ना तो रामायण देखी ना इन्होंने पढ़ना चाहते नहीं अभ्यास करना नहीं चाहते, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा कभी कुछ नहीं पढ़ा। कहते हैं कि ओम राउत ने उस दिन मनोज मुंतशिर किसी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि ओम राउत ने इसके लिए 3 साल तक अध्ययन किया है, इसको बिगाड़ने चाहते थे कि कहां पे कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वैसे लेकर आएंगे हम
वही अध्ययन किया उन्होंने, तीन साल तक यही अध्ययन किया। तीन साल में तो आदमी रामायण के एक एक उसको जान जाता कि किरदार कैसे होने चाहिए। आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, कभी कहते हैं कि राम से प्रेरित नहीं है, हमारी तो रामायण है ही नहीं। जब तक विरोध नहीं था मूर्खता, जब तक विरोध नहीं था तब तक राम जी से प्रेरित थी। अब विरोध होने लगा तो हमने तो राम जी से इसमें और देखिए बदतमी जी की हद तो ये होती है, बंदा बैठा हुआ है टीवी चैनल पे और टीवी चैनल वाला प्रश्न कर रहा है तो उसको कह रहा है अरे नहीं नहीं मेरे पास बहुत सारे लोगों के, अरे तुम बड़े आदमी हो गए, जिसने तुम्हें बड़ा किया ना वही तुम्हें छोटा भी कर देगा। हो गया। और आप देखिए कोई नाम ना लेगा, आज के बाद नहीं पूछेगा, लोग नहीं पूछेंगे आपके बाद। आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजें सामने है। देखिए सोने की लंका थी, हम अब तक सुनते हैं। आप देखिए काले पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हाँ? काले पत्थर दिखाए जा रहे, सोने की लंका। आप अरे यार आप सामान्य रामलीला होती है ना उनमें भी पीले रंग का कपड़ा या फिर पीले रंग के पेपर लगा के लंका बनाई जाती है। तुमको मूर्खो इतनी शर्म नहीं आई कि तुम इतना देख लेते कि यार लंका तो पीली कर देते, सोने की तो तुम बनाओगे क्या, पीली कर देते। सीता जी काले पत्थर, सीता जी को जो रामायण लेके जा रहा है क्या सिखा रहे, बच्चों को यही सिखाना चाहते हो? राम जी देख रहे हैं सीता जी को लेके जा रहा है रामायण, कौन सी रामायण में ऐसा पढ़ा है, ऐसा उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अंधे ने रामायण बना दी है, ना उसने कभी कुछ देखा, ना कभी कुछ सुना, ना कभी कुछ पढ़ा। सोने की लंका की बात करूं मैं तो, सोने की लंका थी, सोने की लंका रावण ने भगवान शिव से तपस्या करके मांगी थी, तपस्या जब उन्होंने की थी एक टांग पर खड़े होकर, तो भगवान शिव ने कहा बोलो क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा सोने की लंका दे दो। जितनी तपस्या भगवान शिव ने पार्वती के लिए बनाई थी सोने की लंका, शिव रहा करते थे अपना कैलाश पर, तो बस उन्होंने कहा कि ये व्यर्थ की पड़ी है इनके लिए, मैं ले लूं तो ज्यादा ठीक है, मुझे दे दो। उन्होंने ले ली, अब ले ली तो मैं ये भी नहीं पता कि उन्होंने सोने की लंका मांगी। रावण भी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था, इस पूरी पिक्चर में मांस खिलाते हुए दिखाया जा रहा है। ये देखिए आपको पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको, राक्षस हम कहते हैं रावण को, रावण ब्राह्मण था और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, जटाटवी जलज जलम प्रवाह पावितस्थले विलंब लंब लंबितम भुजंग तुंड मालिकाम, वो शिव तांडव स्त्रोत लिखने वाला, जिसे आप जिसे एक बार कहिएगा तो आप में ऊर्जा का प्रसार हो जाए, शिव तांडव स्त्रोत उसने लिखा है, रावण कृत लिखा हुआ शिव तांडव स्त्रोत है जिसका हम पाठ किया करते हैं भगवान शिव की पूजा में, तो वो ऐसा व्यक्ति नहीं है और वह एक सामान्य पुरुष नहीं है, वो 10 सिर रखता है और 10 सिर काटकर शिव के सामने चढ़ा देता है, ऐसे ही उसने सिद्धियां प्राप्त नहीं कर ली है। तो रावण जो है, अब रावण के विषय में जो आप कह रहे हैं वो राक्षस था, राक्षस एक संस्कृति थी। आप कभी वेदांता की पद्मिनी लिखने वाले साहित्यकारों को देखिए, उनको जरा समझिएगा, आप कभी किसी अच्छे राइटर को आपने पढ़ा नहीं, पढ़ना चाहते जब आप पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे। राक्षस संस्कृति जो थी वो उसका प्रणेता था और वो राक्षस कहलाया, अनीतियां वो थी जिसके कारण उसका पतन हुआ, अनीति एक अलग चीज है, लेकिन वह एक ब्राह्मण है और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, वह नित्य कर्म करने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण है जो सदैव अग्निहोत्र करता है। आप उस पे कह रहे हैं कि वो मांस खिला रहा है और काय प्यार पुष्पक विमान जिसके पास हुआ करता था, कुबेर का पुष्पक विमान था और यहाँ पे चील कौए पे बिठा दिया उसको। हाँ। आप ये दिखाना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं, ये इतनी मूर्खता बंद करो। हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारा जो वैदिक ज्ञान है थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते, ऐसे ही चले आए, फिल्म बनानी है, फिल्म की जरूरत क्या थी आपको? जो भी करना था यार, एक्शन मूवी बनानी थी कोई भी बना लेते, उन आपको राम में लेते, राघव कर दिया, राघव राम नहीं है क्या? तुम ये भी नहीं जानते, नहीं, सीखो समझो कि हमने रामायण नहीं बनाई है, राम नहीं है हमारे में, सीता नहीं है हमारे में, लक्ष्मण नहीं है, तो फिर राम से प्रेरित क्यों बता रहे हो? हमारे में हनुमान नहीं है, तो फिर दिखाना क्या चाहते हो? राघव दिखा रहे हैं, क्यों राघव दिखा रहे हैं, शेष दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को, सीता को जानकी दिखा रहे हैं, हनुमान को बजरंग दिखा रहे हैं, दिखाते रहे हैं आप हनुमान को बजरंग दिखा रहे हैं, आपने मूंछ हटा दी, दिख नहीं रहा है,
दाढ़ी बड़ी कर दी, बंदर देखे हैं आपने, चलो बंदर ही मान लो, बंदर देखे हैं, नहीं देखे तो आ जाना वृंदावन, बहुत सारे बंदर वहां पे मिलते हैं। उन्होंने तीन साल तक यही, तुम्हारा चश्मा नोच ले जाएंगे, आराम से आना प्यार से। उन्होंने समझदार तक यही स्टडी की कि कैसे इस पर जो हमारा ग्रंथ है इसको बिगाड़ा जाए और किस तरीके से इससे खिलवाड़ किया जाए, और ये इंसान तक स्टडी इसी में लगी। उस आदमी को सोचना चाहिए उसने क्या क्या तैयार किया, क्या चीज लाए। तुमको कोई कह के मर गया था रामायण को प्रेरित होके तुम जो है 600 करोड़ लगाओ, 600 करोड़ लगा के फिल्म बनाना, 600 करोड़ भी कोई भी बनाई जा सकती है, 600 करोड़ लगा करके 260 करोड़ की कमाई की, 600 करोड़ लगा करके 260 करोड़ की कमाई की है। ये चील कौवे दिखाने के, ये चील कौवे दिखाए हैं आदमी की रामायण बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे जो बच्चे हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी संस्कृति वो भी ये तीन दिन धोखे में देख ली लोगों ने, वो तीन दिन चुकी लगा ना, तीन दिन धोखे में देख ली, आदि पुरुष आ रही है, आदि पुरुष मजाक कर रहे हैं हमारी संस्कृति के साथ। प्रचार जब कर रहे थे फिल्म का तो कह रहे थे कि हमने साहब रामायण बनाई है, हमने रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, और जैसी रामायण अब तक आप लोगों ने देखी है वैसी रामायण हम दिखा रहे हैं। और फिल्म को रिलीज होने के बाद में जैसे ही लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने हम उससे हैविली प्रेरित हैं, ये मनोज मंतुसर कह रहे हैं, हम उससे हैविली प्रेरित हैं, हमने सिर्फ उसका एक अंश, एक कांड दिखाया है, युद्ध कांड दिखाया है, बता रहे युद्ध कांड, ये नहीं पता कि युद्ध कांड कौन सा कांड था रामायण के अंदर, बताओ। वो युद्ध कांड तुमने दिखाया, युद्ध की स्थिति तुमने दिखाई, क्यों दिखाई, क्या जरूरत थी युद्ध, उससे क्या देना चाह रहे हो, संदेश क्या देना चाह रहे हो, पैसे पीट रहे हैं, बस पैसे ही पीट रहे थे, पैसे पीट रहे हैं, उसके लिए राम ही पात्र मिल गए, किसी और धार्मिक पात्र को लेके देखो तो तुम्हारी, जैसे नेपाल ने बैन कर दिए इस फिल्म को, भारत को भी कर देना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन है। जो सेंसर बोर्ड पास कर रहा है वहाँ पे लोगों में बिल्कुल ये नहीं रहा कि भाई जनता जो है यहाँ देश में बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं आहत होंगी। जो मूल कहानी है ना, मूल कहानी है, जो मूल कहानी है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सबसे गलत बात तो ये है, मूल कहानी के साथ छेड़छाड़। मूल कहानी पता तक नहीं है आपको, ये नहीं पता ही नहीं है क्या बात है। राम की आंखों के सामने राम और लक्ष्मण राम खड़े देखते जा रहे हैं फिल्म में, देखिएगा राम लक्ष्मण देख रहे हैं, रावण ले गया, रावण यथार्थ सब दुनिया जानती है, जटायु जो था, जटायु के पंख जब काटे थे रावण ने, जटायु गिर पड़ा था जमीन पर, और राम जब जटायु से मिले थे तो जटायु ने क्या बताया था, जटायु ने उनको दिशा बताई थी कि किस दिशा में वो लेकर के गया है रावण, रावण लेकर के गया है। पहली बार राम को तब पता चला था जब जटायु ने बताया था कि रावण आपकी पत्नी को लेकर गया है और इस दिशा में लेकर गया है। राम ये दिन किया था इन्होंने, ये देख रहे थे राम देख रहे हैं, और यहाँ फिल्म में दिखा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण देख रहे हैं कि वो किधर लेके, जब वो लेकर गया है किधर लेकर गया ये उसको पता ही है, तो फिर वो जटायु से क्या पूछेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम ये कहते हुए ढूंढते हैं सीता माता को, ये कहते हुए राम ढूंढते हैं, अगर राम को पता है कि वो किधर गई हैं तो राम क्यों पूछेंगे, क्यों पूछेंगे। साल तक यही पढ़ा था, यही अध्ययन किया था कि इनको एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, आपने यही पढ़ा था, एक नया कॉन्सेप्ट खोज के ले आए, संस्कृति से सोचिए वालों को विचार करिए, देश और ये समाज जिस एक बड़े समुदाय के लोगों को किया, अंतर चेतना को आपने आहत किया। आप ये बताइए, आपको ये पता नहीं है कि लंका में रावण के एक वैद्य थे, रावण के राज वैद्य थे सुषेण जो वैद्य थे, उन्होंने लक्ष्मण जी का उपचार किया था और उन्होंने ही संजीवनी बूटी के बारे में बताया था जो कि हनुमान जी हिमालय पर्वत से लेकर के आए थे। अब यहां वो कहानी चेंज कर दी, यहाँ वैद्य जो हैं, सुसेन वैद्य तो है ही नहीं, विभीषण अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हैं और विभीषण की पत्नी जो है वो लक्ष्मण का इलाज कर रही है और विभीषण की पत्नी बता रही है कि जाओ वहां संजीवनी बूटी रखी है वहां से ले आओ। और अब ये मूल जो हमारी रामायण है, रामचरितमानस में जो कुछ लिखा गया है, तुलसी कृत हो या फिर वाल्मीकि कृत रामायण हो, जिसमें आप मूल कहानियों से कह रहे हैं कि बच्चों को सिखा रहे हैं, भाई बच्चों के लिए लेकर आए, गलत दिखा रहे हैं ना, गलत दिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, बच्चों को जाए तो बताएं कि हमारे रामायण, बच्चे अपनी संस्कृति को बता ही नहीं पाए, एक चीज मिलेगी नहीं उन्हें 50 सरकार को भी इस बात पे बिल्कुल कोई गौर नहीं है कि ये हो क्या रहा है। सुषेण वैद्य यहाँ से समाप्त कर दिए, सरकारों को विभीषण का करेक्टर क्या दिखाया गया है आप देखिए, सरकारों को इलेक्शन
हनुमान जी कैसे मिलते हैं आप इस फिल्म में देख लीजिएगा। विभीषण, आप देखिए विभीषण की पत्नी उनको कहती है हनुमान को कि जाइए और वहां से लेकर के आइए संजीवनी बूटी। अब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। अब यहाँ पर फिर से कहानी के साथ छेड़छाड़ हुई। जब वो संजीवनी बूटी के लिए को लेने के लिए जाते हैं तो होता ये है, जो अब तक हमने पढ़ा सुना देखा है कि भगवान हनुमान को संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाती है जी, क्योंकि वहां पर जितने सारी की सारी बूटियां एक जैसी दिख रही थी, वो सब चमकीली दिख रही थी, जितने भी वहां पर जो कुछ दिख रहा है वो सब सेम दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उनको पहचान नहीं हो पाई तो वो इसलिए पूरा पर्वत उठा करके ले आए, जो भी होगा वो ले लेंगे सुसेन जी। कहानी में क्या दिखाया है इन्होंने फिल्म के अंदर, इन्होंने दिखाया है कि हनुमान जी पूरा जो पर्वत था ऋषिमुख पर्वत था उसको इसलिए उठाकर ले आए क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अभी तो लक्ष्मण को जरूरत पड़ी है, आगे हो सकता है किसी और को जरूरत पड़ जाए, हो सकता है राम को जरूरत पड़ जाए, हो सकता है किसी और वानर को जरूरत पड़ जाए, तो उन सबके लिए मैं स्टॉक ले चलूं। अब ये मूर्ख लोगों, आपको ये पता हो कि सुषेण वैद्य जानते थे इस बात को कि केवल वो जो बूटी जो उन्होंने मंगवाई थी वो केवल और केवल लक्ष्मण के लिए ही प्रयोग में आ सकती थी और किसी के लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने हाँ ये भी प्रसंग था, हमने जो सुना है कि वो उन्होंने ये कहा था कि सूर्योदय से पहले ले आओगे तो काम करेगी, इनने वो भी नहीं सुना, स्टॉक करके करेंगे क्या, सूर्योदय के बाद वो काम ना करेगी, वो इनको पता ही नहीं है ये 3 वर्ष तक पढ़ते क्या रहे। मत आपने क्या पढ़िया है पहले तो ये बताओ, ये रामानंद सागर, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़िया है, वो कहां से किन की लिखी हुई है। आपको देश को जवाब देना पड़ेगा कि इस कथा को पटकथा को लिखते समय आपने जिन ग्रंथों का अध्ययन किया, कौन कौन से पेज पर आपने ये सारी चीजें देखी, आप पहले प्रकाशक का नाम बताइए, प्रकाशन वर्ष बताइए और ये बताइए कि इस पृष्ठ संख्या पर हमने ये दृश्य पढ़ा है, उसे जनता पढ़ना चाहती है देखना चाहती है, आखिर नई रामायण ये पूछोगे, आप ये पूछोगे तो कह देंगे हमने तो रामायण बनाई नहीं है, उनके पास उनके पास नहीं बनाई है, तो फिर हमने तो रावण ऐसा बनाया नहीं है कुछ भी ऐसा, फिर राम राघव शेष सीता और फिर कह रहे हैं कि राम और उस फिल्म के ट्रेलर में ये तो चिल्ला चिल्ला के राम राम कहा जा रहा है, नहीं हो रहा था, कैसे नहीं मानेंगे ये तो, जब तक कैसे नहीं मानेंगे, जब तक विरोध नहीं हो रहा था तब तक थी राम नहीं, उसके बाद तो इन्होंने साफ पैर पीछे कर लिया, हमने तो रामायण की उस पर बनाई नहीं है बिल्कुल, हमने तो केवल एक छोटा सा वो लिया है, केवल आधार माना है उसको। तो देश इतना मूर्ख नहीं है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, दिखा दिए जनता ने, बोल दोगे वो जैसा का तैसा मान लेगी, आप जो आपका मन आए सो कह दोगे और सारे लोग मान लेंगे। ना तो सिर्फ भारतवर्ष विरोध कर रहा है अपितु पूरा विश्व इस फिल्म का विरोध कर रहा है, न सिर्फ हिंदू विरोध कर रहा है, इस फिल्म का विरोध मुस्लिम भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध सिख भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध ईसाई भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध पारसी भी कर रहे हैं, इस फिल्म का विरोध हर वो व्यक्ति कर रहा है जो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, जो हमारे धर्म को जानता है, समझता है, या इनके इनकी वो हर व्यक्ति आज देश को सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि आप इतिहास को बदलने की बात इतिहास पे चर्चा करते हैं, आप इस फिल्म को नहीं देख रहे हैं, आपको तत्काल प्रभाव से ये फिल्म बंद कर देनी चाहिए ना, है हमारे प्रधानमंत्री जी को समय है केरला स्टोरी पर बोलने का, केरला स्टोरी पर वो बोले थे, केरला मंच, मंच से मंच से वो भाषण देते हैं केरला स्टोरी के बारे में, लेकिन मुद्दा पैदा करना था ना, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर ऐसी भाषण नहीं देते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, मूर्खताओं से देश नहीं चलता। आप कितने दिन अपनी हर रैली में जय श्री राम के नारे लगते हैं, आज जय श्री राम का और राम के नाम पे झगड़ा हो रहा है, आज आपको दिखाई नहीं दे रहा, चाहे प्रधानमंत्री हो गृह मंत्री हो, इन सबको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही, नहीं दिखाई दे रहा, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि देश इलेक्शन का टाइम आएगा तो श्री राम के नाम और हनुमान जी के नाम पर बस नारे लगेंगे और जनता पागल है आपको वोट करती रहेगी। इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए, सरकार अगर ये नहीं करेगी तो जनता आपको फिर से दिखाएगी, चाहे केरला स्टोरी करके केरला में क्या कर लिए, कुछ नहीं किया बस, ऐसा करके कुछ नहीं होता, जनता मूर्ख नहीं है, जनता ने मनोज मुंतशिर को जवाब दिया है फिल्म न देख करके, फिल्म को औंधे मुंह गिराया, जनता ने ओम राउत को जवाब दिया है जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, जिन्होंने ये फिल्म की पटकथा लिखी है, जनता ने जब इनको जवाब दिया है तो जनता जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो इस हमारी संस्कृति का विरोध कर रहे हैं उनको भी जवाब, उनको भी जवाब देगी, जनता सबको जवाब देगी, जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है।
नाम की बात कह रहे थे, वो नाम की बात कर रहे थे, मनोज मुंतशिर कहते हैं कि आप, हमने जो रामायण बनाई है, हमने पूरी रामायण बनाई है और इस रामायण में कहीं भी कुछ भी हमने अलग नहीं दिखाया है, ये प्रचार में कह रहे हैं। हाँ, टीजर के सामने बोल रहे हैं, हमने कुछ भी अलग नहीं दिखाया है और जैसी रामायण है हमने वैसी ही रामायण बनाई है, आपको वही प्रभु श्री राम देखने को मिलेंगे और अगर आपको उसमें कुछ भी परिवर्तन दिखता है तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब कहां गया, नाम बदलो उनका, बदलो, बदलो, जल्दी बदलो। अरे वो बिल्कुल बदला जाना चाहिए और जनता बदल देगी, बदलिए ना, ऐसी बात नहीं है, जनता नहीं, अभी बदलो, अभी और टेबल बदलो, जो सामने सर ये कह रहे हैं कि मेरा नाम बदल दो, रख दो मनोज मुंह सर, क्या दिक्कत, अब तो उन्होंने स्वीकार किया है ना, नहीं करोड़ बार सोचिए, करोड़ बार, क्योंकि आपने करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, देशभर की भावनाओं को आहत किया है, तो किया है। अब देखिए हम बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की, पिक्चर में आपने देखा रामचंद्र जी के जो जूते हैं वो चमड़े नुमा कुछ पूरे वस्त्र उनके, देखिए आप किसी भी देख लीजिएगा जो कुछ उन्होंने धारण किया हुआ है, इन्होंने क्या बनाया, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ चमड़े का पहन रखा है, जबकि सब जानते हैं कि वो लकड़ी के खड़ाऊ पहन कर गए थे, लकड़ी के खड़ाऊ पहन, अगर लकड़ी के खड़ाऊ ना पहन कर गए थे तो जब भरत जो है वो उनसे मिलने आए थे, पैरों को देखो उनकी चप्पल देखिए, वो जो भरत जी लेके गए थे चप्पल लेके गए थे क्या, ये रखी थी इनको, ये 3 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया, और इनका नाम बदल दिया गया आज इस पैनल के द्वारा, तो बहुत अच्छा है। तो आप भी आज से क्या नाम, किस नाम से बुलाएंगे आप लोग, सिंपल बहुत साधारण सा नाम है मनोज मुंसर, आप बिल्कुल बहुत अच्छे और एकदम बढ़िया बेहतरीन साहित्यकार है, आपका नया नाम इसे आप आज ही अपना प्रॉपर लगा लीजिएगा अपने टैग पे, क्योंकि आप नाम में भी कंफ्यूजन थी ना, कभी मुंतशिर डालते थे कभी शुक्ला डालते थे, अब मुंतशिर शुक्ला कर दिया उन्होंने, तो आज से नाम नया आपको मिल गया है, आपने ही कहा था नाम चेंज कर लेना और हमारे मित्र कनक जी ने ये आपको एक अच्छा सा नाम दे दिया है, नाम बढ़िया मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए पूरी ये जो कहानी है फिल्म है, इस फिल्म में कहीं पे किसी के द्वारा राम के नाम का एक बार भी उच्चारण नहीं हुआ है, इवन हनुमान के नाम पर भी जय घोष, हनुमान ने भी जय श्री राम नहीं बोला, जबकि हनुमान जो है बोलते बैठते जागते और वहाँ पे पूरी फिल्म में कहीं पे भी एक नारा राम के नाम का नहीं लगवाया गया कि ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये वो विडम्बना है जो उन्होंने 3 साल तक सीखी थी। आप ये देखिए आप ये पढ़ते रहे, आपने क्या, आप किन चीजों से डर रहे थे, जैसे राम अगर हनुमान कहते हैं तो उससे क्या होता, ऐसा क्या तूफान खड़ा हो जाता जिसके लिए आपको परेशानी हो जाती, ये उल्टे सीधे डायलॉग आप डाल सकते थे, जैसे राम का नारा ना नहीं डाल सकते थे, नहीं नहीं वो नहीं डाल सकते थे उन्होंने, अब उसके पीछे की वजह खैर जो भी हो, आपको जो भी कुछ कहना है ना कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में बहुत सारी गालियां हैं जो आप देना चाहते हैं, आप दीजिए। ओम राउत तक इस वीडियो को शेयर करिए कि ओम राउत तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये वीडियो मनोज मुंतशिर तक पहुंचना चाहिए, ये वीडियो पहुंचना चाहिए हर उस व्यक्ति तक जो इस फिल्म का समर्थन करता है और हर उस व्यक्ति तक जो इस फिल्म का विरोध करता है, ताकि वो इस वीडियो को और भी ज्यादा आगे शेयर कर सके। और आप क्या क्या जानते हैं आज की चर्चा में, बस इतना ही, आप क्या क्या जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख करके हमें बताइएगा, आपके अंदर जो भी भड़ास है वो कमेंट बॉक्स में निकाल दीजिए, लेकिन इस फिल्म का विरोध होना चाहिए, फिल्म बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, हिंदुस्तान का चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो ईसाई हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सब लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सब कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम।